मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जी। ये क्या हो गया? अनिल सर की आत्मा आ गई मेरे। हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखिए, अनिल सर को लेके जब कुछ भी होता है, मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, मैं हमेशा एक्साइटेड ही रहता हूँ। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई रियली विश हिम एंड हिज टीम ऑल द वेरी बेस्ट। आई रियली शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद अनिल सर एंड आई नो हाउ मच हिज टीम इज़ वर्क एंड फ्रॉम द हार्ट ऑन दिस ऑसम सीरीज 24 and I'm here to show my love and support and wish the entire team and particularly Anil sir all the very best. What unique do you have with Anil sir when you come on the red carpet, something like that? Yeah, actually he's the biggest masti khor of all and unko dekh ke main wo masti ke mood mein aa jata hu, mujhe dekh ke wo masti ke mood mein aa jata hai and then I don't know, it's just always a riot. kuch to ho hi jata hai unko dekh ke. Mujhe kya hota hai, main kaise explain karu? I really am, I'm in love. I'm so infatuated by it. आपको एक मैं किस्सा सुनाता हूँ। बेफिक्री की शूटिंग चल रही थी पेरिस में और आदि सर ने एक शॉट कट करके ऐसे आते मॉनिटर के पीछे से, यार ये तू अनिल कपूर जैसे एक्टिंग करने लगा है यार, ये दिल धड़कने दो के बाद बहुत डीप इम्पैक्ट हुआ है उनका तेरे ऊपर, तो अब ना अगले टेक में तू रणवीर वाला दे, अनिल का मत कर। ही इज रियली समबडी हु आई ट्रूली लव। आई मीन ही इज वन पार्ट ऑफ द रीजन आई ऑलवेज से पार्ट ऑफ द रीजन आई एवर वांटेड टू बिकम एन एक्टर एंड किसी का फ़ोन बज रहा है, मैं आंसर कर लूँ? रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, 0-0 है, 0-0 पर है टिकट। कर लो तो सर, अनिल सर की बात हो रही थी। ही इज अ लेजेंड एंड आइकॉन, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड मोस्ट हैंडसम मैन टू एवर ग्रेस आवर सिल्वर स्क्रीन एंड नाउ ही इज गोइंग टू बी इन एवरीवनस होम्स एंड आई एम रियली रियली थ्रिल्ड फॉर हिम। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। यार आज तो 24 का इवेंट चल रहा है, तो लेट्स टॉक अबाउट 24। I'm sorry? Yeah, if we could talk about 24, I think that would be best. I'm sorry? आप 24 के बारे में को तो पूछ ही नहीं मैंने। हाँ, उनके लिए मतलब आज उनका एक स्पेशल डे है, तो गिफ्ट तो बनता है यार, और वो मुझे वहाँ से बड़े प्यार से मोहब्बत से बुला रहे हैं, तो मैं जाके अब देखने वाला हूँ। आई एम रियली ट्रूली वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट दिस टीम इज बीन वर्किंग ऑन। ऑल द बेस्ट टू अनिल सर, टीम 24 कलर्स। Yeah!
सबसे बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि फिल्मों के बहुत इस तरह के प्रीमियर्स होते हैं, स्क्रीनिंग्स होते हैं, मगर मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि एक टेलीविज़न का शो 24 जिसका सीज़न वन था, सीज़न वन में मैंने कोशिश की थी कि इस तरह का मैं रेड कारपेट करूं और इस तरह का प्रीमियर करूं और अपने कास्ट क्रू को बुलाऊं और सबको अपने दोस्तों को बुलाऊं, मगर उस वक्त नहीं कर सका। पर ये पहली बार मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में हो रहा है कि किसी टेलीविज़न शो का एक रेड कारपेट हो रहा है और प्रीमियर हो रहा है और वो भी बड़े पर्दे पर। अगर आपको 24 घंटे दिए जाए तो क्या चेंजेस लाना चाहेंगे हमारे देश में? इस वक्त तो मैं सिर्फ 24 के बारे में सोच रहा हूँ, आई मीन वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं बहुत से सारे चेंजेस करना चाहूँ, पर आप ये जब शो देखेंगे तो आपको महसूस होगा, यू नो यू उस वो सारे सवाल जो आपके हैं मेरे ख्याल से शो में आपको सारे जवाब मिलेंगे कि 24 घंटे में एक हिंदुस्तान का नागरिक क्या कर सकता है अपनी देश की सुरक्षा के लिए। अरे मैंने वो नहीं वो स्टंट नहीं था, मगर किसी को नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूँगा, ये मेरी तरफ से है और जितने भी जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं उनको कभी नहीं करना चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। और मैंने स्टंट नहीं किया था, मैं वहाँ ट्रेन में जा रहा था, मैं इसलिए जा रहा था ये बोलने के लिए कि कैसे ट्रेन में बिहेव करना चाहिए, और एक तस्वीर मेरी छप गई, वो छपने की वजह से ये सब हुआ, मगर ऑनेस्टली किसी को नहीं करना चाहिए। इट इज़ माई एडवाइस टू एवरी टीनेजर एंड यूथ एंड एवरीबॉडी ट्रैवलर्स इन ट्रेन, बिकॉज मैंने ज़िंदगी में ट्रेन में ट्रैवल किया है, मैं स्कूल में कॉलेज में जब मैं कॉलेज जाता था सेंट जेवियर्स में ट्रेन में ट्रैवल करता था, तो बस मुझे लगता नहीं करना चाहिए। अभी 24 की बातें कीजिए प्लीज। आपके लिए जिस तरह से आज बड़ा दिन है वैसे आज सुपरस्टार रजनीकांत के लिए बड़ा दिन था, तो कबाली के लिए क्या कहेंगे? इस वक्त मैं 24 के बारे में ही सोच रहा हूँ। ओके, अभी राकेश जी से हमने बात की थी नहीं, इनसेट कि मैंने 24 घंटों से पहले ही उसको देखा और मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे? एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग 24। अरे बस आपके मुँह में यही शक्कर, बस कल सैटरडे है, 9 बजे मेरे ख्याल से हिंदुस्तान देखेगा ये शो को, और हिंदुस्तान में नहीं पहली बार ऐसा होगा कि साइमल्टेनियसली मिडल ईस्ट, अफ्रीका और इंग्लैंड में भी दिखाई दे। लास्ट टाइम हम लोग ये नहीं कर सकते थे,
तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड 24 कल से दिखाया जाएगा और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए. और सैटरडे और मेरे ख्याल से 9 o'clock और सैटरडे एंड संडे मैं सबके घरों में रहूँगा. और मैंने किसने कहा कि सेकेंड फर्स्ट सीजन और सेकेंड सीजन में क्या फ़र्क है, तो मैं कॉमेडी नाइट्स का एक शो कर रहा था तो मुझे जाम ही जाता था, मुझसे यही सवाल करते थे कि क्या डिफरेंस किया. मैंने बोला मैं बोल बोल के सब जगह यही बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली जब एक आदमी शो बनाता है तो कोशिश यही करता है कि पहले सीजन से बेहतर बनाए. पर मैंने उसको कहा कि मैं इस बार मैं क्या करूँगा, मैं सबके घरों में जाऊँगा और फ्री पॉपकॉर्न बांटने वाला हूँ. ज़रूर ज़रूर, मेरे ख्याल से पहले मुझे थोड़ा सा डाउट था क्योंकि कोई ऐसी मैं ये शो ऐसा है कि इस तरह का शो पहले नहीं बना, इस तरह का शो इतने बड़े पैमाने पर. और तो सबको ये लग रहा था कि ये शो जो है यू नो शायद हिंदुस्तान में लोगों को समझ में नहीं आएगा, या इतना बहुत बड़ा बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और फिल्मों की तरह इसे शूट किया जा रहा है. पर मुझे लगता है कि हमें दर्शकों की और ऑडियंस की इज्जत करनी चाहिए. तो हमने इस शो में यही किया कि हमने इज्जत की है, चाहे वो घरों में हो चाहे कहीं भी हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, हम उनकी इज्जत करते हैं. टेलीविज़न में देखते तो क्या हुआ, हमने कोशिश की है कि जो बड़े पर्दे पर जो आप मज़ा लेते हो फिल्मों का, इसमें आपको हमने कोशिश की उससे भी ज़्यादा मज़ा आए इस शो में. और इसमें इसलिए ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इसमें 24 एपिसोड है और कहानी जो है वो 24 एपिसोड में 24 घंटों में हमने कही है. तो उस वजह से आपको ये लगेगा कि हर रोज़ आप सैटरडे संडे और फिर रिपीट भी कर सकते हैं. नहीं तो एक बार क्या होता है, कभी आप थिएटर में जाते हैं और कभी फिल्म आपको नहीं भी पसंद आती है तो फिर भी आपको थिएटर में बैठना पड़ता है. पर इसमें ये है कि अगर आपको नहीं पसंद है तो आप दूसरे चैनल में चले जाएंगे. मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आए, 100% बनाऊंगा. ओके, उसके अलावा मिर्ज़िया को लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ट्रेलर को लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आईफा में लॉन्च करा गया ट्रेलर. ये जोर जोर से बोलिए यार, जोर से बोलिए कि मिर्ज़िया के ट्रेलर अप्रिशिएट कर रहे हैं. हाँ, मुझे अपना ये 7 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है मिर्ज़िया, और मुझे लगता है कि राकेश मेहरा से बेहतर कोई नहीं होगा कि उस फिल्म के बारे में बात करें. मगर इतना मैं ये कहूँगा कि जो भी मुझे फीडबैक मिला, मैंने ज़्यादा बात नहीं की अपने बेटे के बारे में. कितने लोगों को तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा, लोग ये समझते थे कि मेरे से 2 बेटियाँ हैं. तो काफ़ी लोगों को तो सब शौक लगा कि मेरा एक बेटा भी है. तो है मेरा बेटा, पर वो मैंने यही मैं उसको एक उसकी जो ज़िंदगी है, हमने मेरी बीवी ने और मुझे मेरी पत्नी ने यही कहा कि उसको एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ज़िंदगी उसको बितानी चाहिए. कभी वो स्टार सन नहीं हो, कभी वो सेलिब्रिटी नहीं हो, इसलिए आपने कभी उसको देखा नहीं होगा. उसने स्कूलिंग की, उसके बाद उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद फिर ये हिंदुस्तान आया और फिर उसने अनुराग कश्यप के साथ वो असिस्टेंट थे और इमीडिएटली उसने राकेश मेहरा के साथ काम करना शुरू किया है. इसलिए काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि मेरा बेटा भी है. तो पहली बार आप लोग देखेंगे 7 अक्टूबर को. मगर इतना कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरे से भी ज़्यादा मेहनती लग रहा है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग. लाइक लोग बोलते हैं कोई तेरे से ज़्यादा मेहनती हो नहीं सकता, और जो मैं उसके देख रहा हूँ मैं उसको कि इतना तो मैं लाभ के साथ कह सकता हूँ. कितना कैसे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि अभी एक्सेप्ट तो लोगों ने ट्रेलर तो बहुत पसंद किया, पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही मेहनती है, बहुत ही मेहनती है. ये शो में मेरा बेटा है और ये प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री. क्योंकि इसका खासियत क्या है, क्योंकि इन्होंने जिस स्केल पे ये चीज़ को बनाया, अगर इस तरह का कंटेंट टीवी पे फ्री में देखने मिले तो इसके हिसाब से वो फिल्मों को उससे भी बड़ा होना पड़ेगा. तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर फीचर फिल्म्स, बिकॉज फीचर फिल्म्स हैव टू इवन गो बिगर,
because if you can get free content like this on TV on this scale, sorry, so okay, वापस बोलता हूँ. See, this show 24 is a big challenge for filmmakers, for feature filmmakers, क्योंकि इस तरह के content अगर TV में free मिलने में लगे इस scale पे और इतनी अच्छा content, तो अगर पैसा देके जो feature film देखने जाते हैं तो उनको तो और भी बड़ा और बड़े स्केल पे बनाना पड़ेगा. सो आई थिंक इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल फीचर फिल्म मेकर्स. वो करेक्ट है क्योंकि फीचर फिल्म को हमेशा वो सब मीडियम से अलग देना पड़ेगा जो फ्री कंटेंट नहीं दे सकता, जैसे इंटरनेट हो या टीवी हो. सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर फीचर फिल्म मेकर्स. पता नहीं इसके में क्या कहूँ, मैंने देखा नहीं अभी कुछ. हाँ, उसके मैं एक फीचर फिल्म कर रहा हूँ, एक फीमेल सेंट्रिक क्राइम थ्रिलर है, अभी उसकी कास्टिंग चल रही है. उसका नाम है मिसेस सीरियल किलर. तो अभी इसकी जैसी कास्टिंग लॉक हो जाएगी मैं बताऊँगा. ये बहुत बड़ा वेलकम चेंज है हमारे लिए, और मैं हमेशा हमेशा से इंतज़ार कर रहा था कि टेलीविज़न में कौन सी ऐसी चीज़ आएगी जो एक नयापन लेके आएगी, जो कि हमने पहली सीरीज़ में भी देखा कि 24 ने किया है. वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन टू. बस वही है, मैं कहानियाँ सुना के खुश रहता हूँ, तो एक और कहानी है सुनिए, देखिए कैसी लगती है. नहीं, एक प्यारी सी कहानी है और बहुत पॉजिटिव कहानी है, कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है उसके अंदर. किरदार हैं कुछ उस देश से, कुछ इस देश से, बाकी और कुछ नहीं. नहीं है, ये डिले सिर्फ मेरी सुस्ती की वजह से है, कहानी पे काम करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, पर जल्दी ही पूरी करूँगा और जल्द से शुरू करूँगा. I'll see you. Yeah. You're going in? I'm I'll see you. Yes! Tell me! Very excited. बहुत excited हूँ, बहुत nervous हूँ. Fingers crossed, पहला episode. I hope the start is good. And I hope आप लोग जो सबसे important हैं उनको अच्छा लगे, कुछ अलग लगे. And I think we're really expecting, all of us, including me, we're expecting a really, really great punch from 24. I think glamour हर एक platform के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है. डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके का ग्लैमर पोर्ट्रे कर रहे हैं. आई थिंक 24 जैसे शो में ऑथेंटिक रहना बहुत ज़रूरी है, तो आपको बहुत ही बॉलीवुडिश ग्लैमर या फिल्मी ग्लैमर नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत सिंप्लिसिटी वाला ग्लैमर मिलेगा. हमारे टेक्निकल जो टीम है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कैमरा डिपार्टमेंट, हमारे सिनेमाटोग्राफर जो हैं, हमारे DOP, हमारी लाइटिंग, इस पर ख़ास कर से जैसे फिल्म पर ध्यान दिया जाता है वैसे ही ध्यान दिया गया है. So you'll see beautiful visuals. I think that for me, एक authentic 24 जैसे शो में बहुत बहुत अहमियत रखता है कि realistic होते हुए visually बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे सब कुछ. Action scene भी खूबसूरत लगे, you know, you should just want to visually feel good about it. So other than that, I think glamour, हमारा Bollywood सबसे ज़्यादा glamorous industry है, तो I think बॉलीवुड से कहीं ना कहीं इंडस्ट्री
आई थिंक आई बीन मिसकोटेड हियर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज बॉलीवुड से इनसिक्योरिटी नहीं मिलती है. बॉलीवुड की जो जर्नी है वो आपको कभी कभी कई कई फेजेस में, क्योंकि देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स. एक एक्टर के लिए एक्चुअली बहुत अनसर्टन फील्ड है एज एन एक्टर होना ही. प्रोफेशनली बहुत ही एक अनसर्टन जॉब है हमारा. आप 10 दिन काम करते हैं, आप 4 महीने कंटिन्यूस काम करते हैं, फिर आप 2 महीने बिल्कुल काम नहीं करते. बट दैट्स द वे द जॉब इज़. एंड आई थिंक वो जो वक्त है जब आप काम नहीं करते, इट्स वेरी इजी फॉर इनसिक्योरिटी एंड सेल्फ डाउट टू क्रीप इन. दैट्स व्हाट आई स्पोक अबाउट. आई डोंट मीन बॉलीवुड, आई मीन एक एक्टर का प्रोफेशन जो है बहुत अनसर्टन और बहुत मुश्किल होता है. यू नो, जितना बाहर से शोबिज़ खूबसूरत लगता है उतना उतना होता नहीं है. देर आर लॉट ऑफ फाइट्स एंड बैटल्स जो आप हर रोज़ डे टू डे अपने साथ करते हैं, जस्ट टू कीप योर सेल्फ अप देयर, टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे व्हेन यू आर नॉट वर्किंग ऑल्सो. सो दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ दोज प्रोफेशंस जहाँ जब आप काम नहीं करते हैं तो आपको सब खासकर से उस वक्त सबसे ज़्यादा खुद पर फोकस करना पड़ता है. सो सॉरी, उनका सुरूर मैं उनके जैसे गा नहीं सकती, बट आई थिंक ही इज बिन अ गेम चेंजर फॉर आर म्यूज़िक इंडस्ट्री हियर. हम लोग सब उनको माइन करते हैं, और यू नो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट स्पोर्ट बिकॉज पीपल जस्ट की जस्ट माइम हिम लाइक दैट. बट आई थिंक ही इज गिवन सम अमेजिंग म्यूजिक, फैंटास्टिक म्यूजिक फॉर आर हिंदी फिल्म, एंड आई होप ही कंटिन्यूज टू डू सो. So I wish you a very, very happy birthday, Himesh, and God bless you, and may you keep making merry music. किन्होंने? Sorry. It's only 24 related questions. I'm not even aware of it, so I can't even reply. 24 related questions. कबाली, या राधिका इज़ अ रियली डियर फ्रेंड ऑफ माइंड टू बिगिन विद, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी राधिका इज इन कबाली. नाउ कमिंग टू द मेन मैन, द लेजेंड, द यू नो द मैन दैट वी वर्शिप, मिस्टर रजनीकांत सर. आई मीन उनके बारे में जितना बोलें उतना कम है. ही इज़ एन आइकॉनिक फिगर एंड ऑलवेज विल बी. आई मीन ही इज द एपिटोम ऑफ स्टारडम. उनसे ज़्यादा स्टारडम को अगर आप डिफाइन करें, एक वक्त पर राजेश खन्ना वॉज स्टारडम डिफाइनिंग, पर आई थिंक रजनी सर इज़ जस्ट वे बियॉन्ड. एंड आई थिंक किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का ड्रीम कम ट्रू होगा. कबाली रिलीज़ हुई है एंड आई बिलीव इट्स डूइंग रियली रियली वेल. आई रेड सम रियली ग्रेट रिव्यूज़ अबाउट द फिल्म, एंड ऑफकोर्स रजनी सर के सामने बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है. तो आई रियली होप दैट आई एम एबल टू कैच इट बिकॉज माई स्केड्यूल इज़ अ लिटिल बिजी राइट नाउ, बट आई एम रियली होपिंग कि मैं कबाली देख सकूँ. एज ऑफ नाउ गाइज, आर वी रेडी फॉर 24? आई डोंट हियर यू गाइज. ऐसा फीका रेडी फॉर 24? आर वी रेडी? To say that, to be very, very honest, I think hum log inke, it'll be very unfair on my part to even comment on the stardom of somebody like Rajni sir, Amitabh sir. I mean, they are just beyond what words can really express and define. So I think I just have to say I bow down to them. Thank you. सॉरी आई कैन हियर यू. इस सीरीज़ को लेके, एक तो ये मेरी पहली, ये मेरा पहला सीज़न है, इवन इफ 24 का सेकंड सीज़न है, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आज तक मेरे जितने भी दोस्त हैं सबकी ये तमन्ना है कि वो इस सीरीज़ में काम कर सके, बट आई थिंक आई एम द लकी वन. एंड
बस एक बहुत ही अच्छे कास्ट और बहुत ही अच्छे क्रू का भाग बनना और उनसे बहुत कुछ सीखना, ये एक एक्टर को आई थिंक कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है. सो आई थिंक मैं टेलीविज़न बहुत करती नहीं हूँ, मेरी थोड़ी वो क्या कहते हैं वो मेरे पति देव कहते हैं कि यू नो तुम टेलीविज़न नहीं कर सकती हो, ये ऐसा मुझे हमेशा कहते हैं. बट आई थिंक 24 इज़ वन सीरीज़ दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ एंड आई एम जस्ट लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड दिस इज़ राइट आफ्टर नच बलिए. सो इट वॉज अ आइसिंग ऑन द केक. किरदार देखिए, पर्दा तो पर्दा ही होता है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि कैमरा हमारे लिए तो यू नो आप आजकल मोबाइल में भी देख लेते हो और 70mm पर भी देख लेते हो. सो आई डोंट थिंक वो मीडियम या फिर अरे ये टेलीविज़न का कैमरा है, ये फिल्म का कैमरा है, ऐसा हम आर्टिस्टों के लिए तो नहीं होता है. द ओनली थिंग आई थिंक इज़ जब अनिल कपूर इतने बड़े जो एक मेगा स्टार है और एक इतने बड़े सुपरस्टार है, अगर वो एक सीरियल कर सकते हैं तो मतलब हमारे तो क्या कहने हैं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती उस बारे में. बट एक किरदार, जैसे आपने पूछा कि एक किरदार को निभाना कितना मुश्किल होता है, आई थिंक हर किरदार बहुत ही मुश्किल और फिर जब आप उसे निभाते हो फिर बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आपको लगता है अरे ये तो बहुत आसान कर लिया मैंने, इसमें कुछ और शायद मैं कर सकती थी, लेकिन वो समय निकलता जाता है आपके हाथ से. आई थिंक फॉर मी अंतरा द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इज़ वेरी वल्नरेबल, इज़ वेरी फ्रजाइल, और ऐसा किरदार मैंने कभी निभाया नहीं है. पूरी सीरीज़ में आप देखेंगे कि अनिल सर से लेके द कॉप्स एंड एवरीबडी इज़ अ वेरी स्ट्रांग हेडेड कैरेक्टर. साक्षी तन्वर जी एक बहुत ही स्ट्रांग हेडेड कैरेक्टर निभा रही है, बट अंतरा इज़ अ वेरी फ्रजाइल, कन्फ्यूज एंड अ वेरी वल्नरेबल कैरेक्टर इन द एंटायर सीरीज. आई थिंक कपिल शर्मा, आई लव दैट शो एंड आई लव कपिल शर्मा, बट आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे मौका नहीं मिला उस शो पर जाने का. बट इट्स जस्ट द स्टार्ट, मुझे ऐसे लगता है 24 सीजन 2 इज जस्ट द स्टार्ट एंड आगे बहुत ऐसे मौके आएंगे कि उनके शो पर जा सकूं एंड दैट्स अबाउट. ओह सॉरी, उनको नहीं देखूं यही पूछ रहे हैं इसलिए. अच्छा कपिल शर्मा के शो का हर किसी बड़ी बड़ी फिल्मों पे, बड़े बड़े सीरियल्स पे, बड़े बड़े स्टार्स पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है. एंड जैसे मैंने आपसे कहा कि आई लव दैट शो, मतलब मैं और मेरी पूरी फैमिली बैठ के वो शो देखते हैं, एंजॉय करते हैं. सो आई एम श्योर कि जैसी हमारी एक फैमिली है, बड़ी सारी ऐसी फैमिलीज़ है जो ये शो एंजॉय करती है. एंड आई एम श्योर कि हर कोई वहाँ पे सिर्फ यू नो मजाक करने, मजाक बनने जाता है एंड आई थिंक नथिंग लाइक इट. फॉर द व्यूअर्स आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग दैट दिस सीजन इज़ गोइंग टू बी मच मोर व्हाट डू यू से धमाकेदार एंड मच मोर स्पाइसी फॉर ऑल यू गाइस. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच 24 सीजन 2. दैट्स अबाउट इट. थैंक यू. Yes, my friend is doing a part. Okay. Just tell us a few things about this. It's a personal. Okay, you don't have to say. Hey everybody, good evening. एक तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ. After more than a decade, I'm coming back and I'm so excited to be back with 24. There's no better way to get back than alongside with Mr. Anil Kapoor and the team of 24 and Colors TV. I'm excited. What else can I say? I'm really, really happy and excited. Why so long time? Personal life, family, and you give time to everything, has a time.
now kids are older, I can give my time to work and focus on work. I love what I do. I was never going to actually leave it. I needed a break to concentrate on kids and family, so I did it for that time. And now I'm back and I'm here to stay. This is just the tip of the iceberg. Lovely to see you. Bye, good evening. Have a wonderful evening. I'm so excited. You know, it's always exciting when you get to watch yourself. So sorry? Saaf kar do. Please, roads. Clean the roads. Clean everything. Clean the air as much as you can. Please, it affects us, especially your skin. Right now, I don't want to share it. I'll share it when I can share it. A couple of documentary features and things like that, festival movies. And 24 for now, that's what we're focusing on. Yay. Thank you. Please watch it. I'm still yet to announce what I'm doing next. I am doing a festival feature called Born into Brothels, which is the festival adaptation of the Oscar-winning Born into Brothels documentary. So that's coming up first, and everything else I'll let you know. Thank you. सवाल पूछेगा हाउ यू गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और एक्साइटेड हो गया हूँ क्योंकि हमारी टीम भी आ गई है हमारे साथ इनका सोलो तो ले लीजिए एक साथ में ले लीजिए बोलिए तो कैसा लग रहा है 24 के साथ जुड़कर माइक ऑन आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी जैसे हम लोग शूट कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर बीइंग चार्ज ऑफ द एंटायर नेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कॉप एज अ पुलिसमैन तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें रखनी थी तो वो रखी है इसमें एंड we get a lot of takes and these guys just get one take so my salute to everyone sorry kya hote maine to nahi liye to mujhe to puch hi nahi sakte ha bas shukriya namaste actually concept uska aisa hai ki situation zyada important ho jati hai to agar kisi ko prize dena ho taki usse na information nikali jaye और उसको वापस जेल में डालना हो तो वो किया है हमने 24 से देखना चाहिए बिकॉज इस टाइम इट्स बिगर बेटर और स्टोरी एकदम दमदार इसलिए देखना चाहिए एंड इट्स अ रिफ्रेशिंग चेंज इतनी बड़ी ऑनसॉम्बल कास्ट है तो इसलिए देखना चाहिए थैंक यू कब बोला था रहे जब अभी ने चार ही मिनट कब बोला था प्रशांत को भी कब एक बार और
The Budhya scene was born to run. What were you thought of it? Make films, entertain you guys, yeah. Rakesh sir, Rakesh sir. Tell stories. That's what I want. Rakesh sir. सब में आवाज़ आया था एक्साइटमेंट से भी ज़्यादा है क्योंकि जब सीज़न वन देखा था तभी फ़ैन हो गए थे और आप मानेंगे नहीं 24 मैंने 24 आवर्स में देखा 25 घंटे में भी लगातार छोड़ा नहीं पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड क्योंकि मुझे मिल गए थे बहुत अच्छा रिस्पांस है यही कहना चाहूँगा और ट्रेलर बनाना आसान होता है फिल्म थोड़ी मुश्किल अगर फिल्म भी पसंद आए तो और अच्छी बात फिर से क्या सॉरी फिल्म का ट्रेलर तो लॉन्च हो चुका है फिल्म 7 अक्टूबर पर आप उनसे जोर से चला सकते हैं। सर कई सारी फिल्में लीक हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे सॉरी लीक हो रही है मूवीज आर गेटिंग लीक ऑनलाइन सो योर फिल्म सॉरी ही इज सेइंग समथिंग एल्स सेम थिंग पायरेसी पायरेसी बहुत बड़ा सवाल है उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि बहुत पुराना सवाल है इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और इसको ख़त्म करना जो हम करते हैं जो थोड़ा बहुत होता है हमारे से वो हम करते ही हैं बट तैयारी यही है कि मेरी विनती सारे ऑडियंस से यही है कि हमने सिनेमा के लिए फिल्म बनाई है आपके लिए फिल्म बनाई है हमने तो कर लिया अपना काम और आपको मज़ा तभी आएगा जब आप बड़े पर्दे पे देखें हिमेश इज द ओरिजिनल रॉक स्टार मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स टू यू हिमेश कीप रॉकिंग एग्जैक्टली 24 घंटे बचे हैं शो को एयर पे जाने से तो वही वाली फीलिंग हो रही है कि 24 घंटे में एक मिशन शुरू होने वाला है और शो के दौरान जो केमिकल्स अंदर एकदम बवाल मचा रहे हैं वैसे ही इस समय भी फील हो रहा है वो हमें बाद में बात करनी चाहिए आज हमें 24 की बात करनी चाहिए आई थिंक वो हमें ना आज हमें 24 की ही बात करनी चाहिए आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि हम आई वर्क विद